एक टूल का मदद से ये पहिया रिपेयर हो जाएगा, इजीली आप अपने घर में ही कर लेंगे, एक रुपया आप लोग का खर्चा नहीं आएगा। इस कवाड़ वाला साइकिल जो था वो हम खोल दिए हैं और हमारा प्रॉफिट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी को दिल से राधे राधे। जो भतीजा का साइकिल जो है ना टूट गया है आगे वाला पहिया, तो इसे हम रिपेयर करके आप लोग को दिखाने वाले हैं। अभी सुबह सुबह का समय है दोस्तों, सो करके उठे और यहाँ पर थोड़ा सा व्यायाम वगैरह कर रहे थे, तो ऐसे ही भतीजा को देखे साइकिल जो चला रहा है टूटा हुआ, तो और ज्यादा अगर टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐसे चक्का खरीदने पर मिलता है बहुत ही महंगा मिलता है, इसके वजह से तो ठीक कर देते हैं। हालांकि इसका सीट वगैरह भी टूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए एक स्क्रू इधर लगा हुआ है और एक स्क्रू इधर लगा हुआ है, तो दोनों ही स्क्रू को खोल लेंगे हम प्लायर का मदद से, एक टूल का मदद से ये पहिया रिपेयर हो जाएगा, इजीली आप अपने घर में ही कर लेंगे, एक रुपया आप लोग का खर्चा नहीं आएगा। इस तरह का एक प्लायर ले लेना है या फिर मंकी प्लायर है तो उस तरह का आपको ले लेना है। तो चलिए अब ये नट को खोलते हैं फटाफट। ये नट ऐसे भी देखिए दोस्तों लूज है, तो चलिए नट को खोल लेते हैं। ये देखिए नट हमारा एक साइड का खुल गया, अब दूसरा साइड का खोल लेते हैं। कई बार क्या होता है कि ये नट जंग लग करके जाम हो जाता है, अगर नया ट्रे साइकिल है तो नया साइकिल में ही इस तरह का प्रॉब्लम होता है, पुराना में नहीं होता है जल्दी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, ये हाँ देखिए तरह से निकल जाएगा, ये देखिए चक्का इसका बाहर आ गया। ये चक्का में प्रॉब्लम कहाँ हुआ है और कैसे ठीक होगा, इस तरह से ये देखिए बूस साइड हो गया, फिर ये सब बूस भी साइड हो गया, तो ये वाला जो फायर वाला बूस है ये थोड़ा टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ दोस्तों ये देखिए इसका वेल्ड भी नहीं छोड़ा है, हम सोचे कि वेल्ड इसका टूट गया है तो वेल्ड नहीं टूटा है, तो ये वेल्ड अगर टूट जाता है तो गैस वेल्ड करा लेना है सेम जगह में, अगर नहीं टूटा है और इस तरह का है तो फिर कैसे ये रिपेयर होगा। और देखिए एक घाट बना हुआ, तो एक घाट में जा करके ये पत्ती बैठ जाता है, ठीक है। और इस साइड में देखिए नट और पत्ती है, तो ये भी बूस को नीचे कर लेते हैं। और कितना ज़्यादा कचरा फंसा करके रखा है ये देखिए गाड़ी में, सांप को और भी तो बना आपने, तो आपने हो कौन जिस्टर। ये देखिए एक बूस इधर में है, ये बूस को भी साइड कर दिए, यहाँ पर भी कचरा है थोड़ा सा निकाल दिए। और ये देखिए दो नट है यहाँ पर और ये देखिए पत्ती, तो एक साइड का पत्ती वेल्ड रहता है एक साइड का नहीं रहता, तो इसको क्या करना है यहाँ पर फिट करना है इस तरह से, इससे आपको जो है घाट में बिठाना है पहला साइड का पत्ती जो वेल्ड रहेगा, ठीक है। और दूसरा साइड में फिर क्या करना है इस तरह से घाट में बिठाना है, ये देखिए दूसरे साइड में ऑटोमेटिकली घाट में बिठ गया। उसका नट को इस तरह से टाइट करना, बहुत ही ईजी है दोस्तों, आपको साइकिल दुकान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आप अपने घर में कर लेंगे, ये देखिए। और इस तरह से तोता प्लायर का मदद से, सॉरी तोता प्लायर नहीं है, प्लायर का मदद से इस तरह से टाइट कर देना आपको, ठीक है। आपको फुल टाइट दे देना है, कई बार क्या होता है कि स्लिप हो जाता है तो हिसाब से टाइट देना है। ये देखिए ये हमारा टाइट हो गया, फिक्स हो गया, ये देखिए चक्का इसका बन के रेडी हो गया। अब फिट किस तरह से करना है दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें, इस तरह से उलट देना है ट्रे साइकिल को और बूस जो भी लगा हुआ रहेगा उसे अंदर की ओर प्रेस कर देना है इस तरह से, ये देखिए बिठा लेना है, देखिए दोनों ही साइड का अच्छे से बूस को बिठाने के बाद और इस तरह से फिट करना है। ये देखिए ये उल्टा सीधा कुछ भी हो जाए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता, जैसे चाहे वैसे आप फिट कर दीजिएगा। ये देखिए ये सेंटर मिला लेना है होल का, उसके बाद स्क्रू को अंदर डाल करके टाइट कर देना है दोनों ही साइड का। कई बार क्या होता है दोस्तों ये सेंटर नहीं मिल पाता है, तो बढ़िया से सेंटर मिला करके स्क्रू को अंदर डाल के प्लायर का मदद से या फिर स्क्रू ड्राइवर का मदद से टाइट कर देना है, लेकिन हम प्लायर का मदद से ही सारा काम आप लोग को करके दिखा दिए। तो ये प्लायर जो है दोस्तों हर घर में होता है, ये कटिंग प्लायर ईजिली आप अपने से कर लेंगे। चलिए फाइनली इसका जो है ट्रे साइकिल कम्प्लीट हो गया है, ये देखिए अब दिक्कत नहीं होगा और बाद में इसका सीट जो बनाएंगे तो आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगा। जय चला जा, देखिए परेशान था गाड़ी को छोड़ नहीं रहा था एक पल के लिए भी, तो चलिए हम थोड़ा सा व्यायाम यहाँ पर कर लेते हैं। इधर में देखिए कितना मस्ती से ये चला रहा है अपना साइकिल को, फुल स्पीड में है, डाउन में ठीक चला रहा है लेकिन आप में नहीं सक रहा है, आप में देखिए कैसे करके ले जा रहा है। दोस्तों फाइनली नहा धो के रेडी हो गए हैं और हमारा व्यायाम भी अच्छे से हो गया था, सुबह का नाश्ता भी कर लिए और खाना भी खा लिए, अभी दोपहर का समय है। तो नाश्ता करने के बाद थोड़ा एडिटिंग कर रहे थे एक वीडियो, तो वो हमारा वीडियो एडिटिंग हो गया है। अगर आपके पास ख़राब एयर पंप है साइकिल का, हवा वाली पंप अगर ख़राब हो जाता तो आप इजीली ठीक कर सकते हैं, तो वीडियो हमारे मेन चैनल पे आ जाएगा, देख लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
तो चलिए अभी चलते हैं अपना साइकिल दुकान। अपना साइकिल दुकान आ गए और जिस साइकिल से आए दोस्तों वो साइकिल जो है ना पंक्चर निकल गया हमारा, क्या बताएं, इसलिए पैदल आना पड़ा। ये वाला वो साइकिल है दोस्तों, इसका चक्का देखिए पीछे वाला हवा पूरा ही निकला हुआ है, सभी हवा नहीं है, देखिए पूरा ये आपका पंक्चर हो गया है। रास्ता में जब लेकर के आ रहे थे साइकिल तो तब हमें पता चला, इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए और ना आप लोग को हम दिखा पाए। इधर में हमारा साइकिल तो पता नहीं कैसे उलट गया, अभी जस्ट सीधा करके रखे थे शायद गिर गया होगा। तो ये साइकिल का भी जो है रिपेयर हम करने वाले हैं, यानी रिपेयर नहीं करेंगे, पूरा साइकिल को खोलेंगे और इसमें हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ देखेंगे और एक एक पार्ट्स को खोल के दिखाएंगे। बहुत ही ज़्यादा जंग लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इसका पार्ट्स जो है जाम है, तो किस तरह से खोलेंगे, कैसे खोलेंगे और कितना हमारा प्रॉफिट होगा, तो वो तो आपको हमारे मेन चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी इसका काम शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों कबाड़ वाला साइकिल जो था वो हम खोल दिए हैं और हमारा प्रॉफिट बहुत ही अच्छा खासा हुआ है। 22 इंची साइकिल से जो है ना दोस्तों ये बच्चा वाला साइकिल से हमारा प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया हुआ है। कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और बच्चा साइकिल में हमारा प्रॉफिट ज्यादा कैसे हुआ, ये सारा आपको वही वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अनदर न्यू वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।